से भाई एक रोटी मिलेगी ओके और यहाँ से एक चीज दिखाता हूँ आपको, वो देखिए सामने वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यहाँ से दिखाई दे रही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यहाँ पर कलकत्ता वाले माता जी ने सड़क के किनारे दुकान डाल दी, थक गए माता जी। वो नीचे देखिए यहाँ का प्रसिद्ध जरवानी वाटरफॉल। नर्मदे हर, सुबह के अभी 7 बजे और आज तारीख हुई 16 दिसंबर, रात्रि को हम माता सर के इस आश्रम में रुके थे। अब यहाँ से आगे प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से आगे 8 किलोमीटर जरवाणी और वहाँ से आगे 8 या 9 किलोमीटर गोरा कॉलोनी शूलपाणेश्वर, नूतन शूलपाणेश्वर मंदिर। नर्मदे हर, करो आराम। इतने ऊंचे पहाड़ को काट कर ही बीच में से सड़क निकाली गई है। हे माता नर्मदे। और इधर से आते ही दर्रे से तो पूरा रास्ता नीचे उतराई में, वहां से घूम कर इस तरफ सड़क जा रही है। लोग अंधेरे अंधेरे इस रास्ते पर निकल जाते, पीछे बता रहे थे कि वहाँ माता सर में सीते घूम रहे हैं, तेंदुए घूम रहे हैं, मगर किसी को भय नहीं है। हाँ गणपत जी, चिल्ला चिल्ला के पीछे आश्रम वाले कह रहे थे कि आगे तेंदुए छोड़े गए हैं, अंधेरे में मत निकलो। नर्मदे हर भाई। हाँ यहाँ पे होज को माता जी कह रहे हैं निकले थे तो जोश में होश खो बैठे, जोश में होश खो बैठे माता, कोई बात नहीं, चलिए धीरे धीरे। और यहाँ से देखिए वह नीचे से हम आए और पूरा ऊपर चढ़ाई पर जाना है, कितना दिखा रहा है गोरा, यहाँ से 15 किलोमीटर आश्रम से कई करीब 1 किलोमीटर में आगे आए होंगे और यहाँ से गोरा कॉलोनी 15 किलोमीटर है, मतलब कि माता सर का जो आश्रम है वहाँ से गोरा कॉलोनी की दूरी 16 किलोमीटर है। ओके गणपत जी, और केवड़िया 19, चलिए। और पीछे जो पहाड़ देख रहे कल हम उनको पार करके आए, वो सड़कें अभी भी दिखाई दे रही है और अभी भी पार करने भैया। चलिए आज गोरा कॉलोनी तक यही पहाड़ हमें पार करने, जरवानी तक, जरवानी के बाद मोस्टली पहाड़ छूटते रहेंगे। गणपत जी, चाय की अलग जगह ही कहीं। बराबर भिक्षा टन करे चाय का, जो भी झोपड़ी दिखे वो तो बहुत ऊपर, वहां तो चाय नीचे उतरते ही हजम हो जाएंगे। नीचे कोई झोपड़ी आए वहां करे। और ये एक छोटा सा नाला है पानी का, इसके किनारे देखो चने की खेती की हुई है और चने के लिए मसान बनाई हुई है, मसान के मसाल क्या बोलते हैं इनको, मसान बोलते शायद।
काम लगेंगे, बहुत अच्छी ट्री है। आपको भी गाती है? हाँ, आपको भी गाती है। फिर भी आप अभी तो आपने प्रयास किया ना, मैं एक रोटी मिलेगी ओके और दो दे देती है। हाँ, और दो मिल जाती, ज्यादा ही ये काम अच्छा, मगर वो क्या समय से मांगते नहीं, इसलिए थोड़ा कम मिलता है, बाकी तो पहले से मांगा हो तो अच्छा मिले। भागना पड़ रहा नर्मदे हर। हाँ, जुगाड़ लगा दिया। और देखिए परिक्रमा में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, ये माता जी चाइना से आई है देख लीजिए, चाइना से है और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा भूसंकलन हुआ है, ऊपर से पहाड़ गिरा है। हाँ, और ये अभी गिरते ही रहेंगे, ये बोर्ड भी नीचे दब गया है। और यहाँ पर जगह जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये रास्ता नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, वाहन धीमे चलाए, और बहुत अच्छी बात है। और यहाँ का जंगल बिल्कुल हरा भरा, मन को मोह लेने वाला है। अब जरवाणी यहाँ से कितना, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जरवाणी यहाँ से 3 किलोमीटर है। और सुबह के 8:30 बजे अब तक हमने 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ओके, और वो खेतों में क्या लगे रखे, डगले खड़े कर दिए भूत पिशाच की तरह। हाँ, क्या है चीज, नहीं चारा नहीं, कोई फसल है भाई, पता नहीं जो भी है, अपने को पता नहीं। और सुबह के अभी 9 बज गए, 8:30, 9:30, और हमने अभी तक 5.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और रास्ते के बीचों बीच देखिए ऐसी, क्या बोलते हैं इसको, रेलिंग वॉल के ऐसा कुछ बोलते हैं, इस पर बैठे हैं थोड़ी देर विश्राम के लिए। गणपत जी, उत्तराखंड में तो समझा कि वो सीढ़ी नुमा खेत होते करते, अब ऐसे देखिए टोपी नुमा खेत पे खेती करना कोई आसान है, फिर भी करते। ये पूरा एकदम क्या बोलते हैं, शंकु आकार के खेत है, फिर भी करते, देखिए तुअर बुअर सब करते। वो छोटी तो हमें नहीं चढ़नी है भैया, ऊपर छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत भारी था, सांसें थम गई थी। और ये सभी पहाड़ चढ़कर हम नीचे से आते हैं, तो ये ऊपर श्री गजानन महाराज के द्वारा अंशयात्र आ गया। चलिए चलिए, कोई थोड़ी देर विश्राम करते हैं। कौन माता जी, चाइना वाली माता जी, देखिए भाई चाइना की माता जी नहीं है, कहाँ से, अंडमान निकोबार द्वीप से माता जी है, कलकत्ता से है, महाराष्ट्र से है, जगह जगह रहे हुए हैं। वेलकम, और ये गजानन महाराज का आश्रम है, क्या नाम गांव का, खाजगी, यहाँ पर बाल भोग कर रहे हैं।
और सुबह के अभी 9:30 बजे और जरवाणी गजानन महाराज आश्रम से चाय और बिस्किट पाकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से आगे अभी चढ़ाई नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उतराई वाला मार्ग है और 7 किलोमीटर के बाद गोरा कॉलोनी आएगी। मतलब कि अभी ये जो सुलपाणी क्षेत्र का सुलपाणी झाड़ी का क्षेत्र है वो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर तक है, उसके बाद सुलपाणी की झाड़ी समाप्त। और ये रहा गजानन आश्रम और आश्रम के पीछे ये जरवाणी गांव आ गया। क्या लुका हुआ ये अंदर, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग शिव मंदिर सदाव्रत सेवा 3 किलोमीटर, गोरा कॉलोनी सुलपाणेश्वर मंदिर 11 किलोमीटर है भैया यहाँ से, और हरिधाम आश्रम 12 किलोमीटर, आनंद आश्रम 13 किलोमीटर। और ये यहाँ की स्कूल है जरवाणी की। और ये देखिए जरवाणी के पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे। सड़क से फिर भी ठीक है, नहीं तो हालत पस्त हो जाती। और पहले परिक्रमा में लोग कैसे चलते होंगे उसका अंदाजा लगा लीजिए। क्या कर रहे हो रे सड्डी उतार के? नौ मदे हार। कुक्कड़ देव यहाँ स्वान देवता नहीं है, इसीलिए कुक्कड़ देव बिंदास घूमते। स्वान देवता देखने को मिले आपको कहीं? नर्मदे हर बेटा, क्या लेके आया? हाँ जुगार, कहाँ से लेके आया? भंडार से। ठीक ठीक, कहाँ पर है भंडार? दूर है। और जरवाणी के बाद ये रास्ता कच्चा वैसे पक्का ही है मगर टूट चुका है, तो इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। क्या गाड़ी आ रही है भैया? आने तो धीरे से देखना भाई, यहाँ पर रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है, कच्चा रास्ता बिल्कुल। और पहाड़ देखने में अच्छे लगते हैं, जब 10-15 दिनों से उन्हीं पहाड़ों पर चले तब पता चलता है। बराबर गणपत जी, क्या कहते हो? तब हवा टाइट होती है, उसमें भी फिर क्या, अभी उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, नहीं तो लोग कुछ की कुछ कमेंट करेंगे। कौन सा गांव आया दादा? जरवाणी। और अभी तक चल रहे कब के? अभी तक जरवाणी है भाई। और एक कहावत है कि बिना मांगे माँ भी नहीं देती, कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा पिछले दिनों से। बराबर कल खाने पीने के हिसाब से बहुत दुखी हुए थे, परेशान। हमने मैया को खरी खोटी सुनाई थी, तो आज सुबह से अच्छा है, बिना मांगे ही आ रहा है, बिस्किट आ रहे हैं, केले आ रहे हैं, तो आज थोड़ा आज का दिन अच्छा है। क्या कहना चाहूँगी? ओके, करवाती है, प्रेरणा देती है, लोग आते रहते। किसी का फोन भी आ रहे हैं। और यहाँ पर कलकत्ता वाले माता जी ने सड़क के किनारे दुकान डाल दी। थक गए माता जी। हनुमान मंदिर पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं 7 किलोमीटर, वहाँ 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। ऐसा है माता जी, चलो आगे बाल भोग करवाते। ये इधर जस्ट नजदीक है, चलो उठो चाय भी पिलवाते अच्छी। और यहाँ देखिए रास्ते के दोनों तरफ ये जो कटीली झाड़ियाँ है
इसको हमारी भाषा में थोर बोलते हैं, थोर। गणपत जी आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? और पहले जब छोटे थे तब डराते थे कि लड़कियों पे हाथ उठाते तो इन पे हाथ बन जाते कांटे वाले, ऐसा बोलते आपके यहाँ भी ऐसा बोलते थे क्या? और इसके पांच ही उंगलियाँ होती, देखो 1 2 3 4 5 बराबर, इसीलिए बोलते थे कि थोर के हाथ बन जाएंगे लड़कियों को मारोगे तो। कितना चले? नहीं नहीं वहाँ सुबह से मंदिर से गजानन आश्रम से 2 किलोमीटर चले और वहाँ पर भी जरवाणी था, ये भी जरवाणी है। और जरवाणी में ये शिव मंदिर है और यहाँ पर भी गजानन महाराज संस्था की तरफ से अंश यात्र चलवाया जाता है। चलो फिर आगे। और सुबह के 10:30 बजे और अभी हम जरवाणी गांव में पहुंचे। ये जरवाणी गांव है, कब के चल रहे हैं। और यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, वो देखिए सामने वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यहाँ से दिखाई दे रही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कैमरे में दिखाई दे रही है नहीं? वो 2020। ओके पहुंच गए नज़दीक मैया के, बिल्कुल मैया के नज़दीक है। और आज हम नीचे जा रहे हैं, पहाड़ ऊपर है बराबर। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पहाड़ पीछे है, ये पहाड़ मजबूत है। पीछे जो पहाड़ थे वो पथरीले नहीं मिट्टी वाले थे। और यहाँ से नज़ारे देखिए पहाड़ों के, और कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। वो नीचे देखिए यहाँ का प्रसिद्ध जरवाणी वाटरफॉल, जहाँ पर लोग गर्मी में नहाने को आते, पिकनिक स्पॉट है ये।